हाँ जी, मैं माफ कर दे, मजबूर। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा हमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। तुम ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है, तो हमें किस बात की सजा दे रहे हो? जानते हैं, अगर जो जिम्मेदार है उस तक पहुंचने के लिए तुम दोनों को मारना बहुत जरूरी है। किसी और की सजा तुम हमें नहीं दे सकते। अब तुम्हारा परिवार, हमने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, हमेशा भला चाहा है। 7 सालों में तुम्हारे ऊपर क्या बीती हम समझ सकते, पर तुम हमारे कभी नहीं समझोगे। कभी नहीं, क्या बीती है पर? हर एक पल यही सौगंध खाई थी कि जिस दिन बाहर निकल गए छोड़ेंगे नहीं उसे, जिसने हमें जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके रखा। और वो हमारे सामने तब तक नहीं आएगी जब तक हम तुम दोनों की लाशें नहीं गिरा था। उसे पकड़ने के और भी तो रास्ते हो सकते हैं ना। हम दोनों को मारना जरूरी नहीं है। जरा सोचो, अगर तुमने हमें मार दिया और उसके बाबा जो की वो सामने नहीं आई तो क्या करोगे तुम? सोचो जरा। मैं बात नहीं सोचता, और नहीं सोचने का वक्त है हमारे पास। दोनों को मारने के सिवा सानवी के बारे में सोचो। तुमने हमें मार दिया तो सानवी का क्या होगा? सानवी अनाथ हो जाएगी। विमान नहीं, सानवी को संभाल ले गया, मगर तुम दोनों का मरना बहुत जरूरी। हमने तुमसे कहा था ना हमने कि हमारा विमान नहीं है। कि आंखों में हमें दिख रहा था कि इसके इरादे कुछ और हैं। तुमने हमारी बात नहीं मानी, एक बार हमारी बात नहीं सुनी तुमने। आज देख लिया तुम, तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। हाँ देख रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने विमान पे भरोसा कर लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें समझ जाना चाहिए था कि ये वो विमान नहीं है, हमारे बचपन का दोस्त नहीं है। ये तो बदल चुका है, कोई और इरादों से आया है। वो विमान तो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाने के बारे में सोचा, और तुम हमें मारना चाहते हो। बंद करो अपनी बकवास। कोई नहीं जानता क्या बीती है हम पर। तुम दोनों को तो मरना होगा तुम्हें। अब तुम्हारा परिवार छोड़ दो, मत मारो हमें। सानवी के लिए छोड़ दो हमें, मत मारो हमें।
कहीं सब लोग मिलकर हमारे खिलाफ योजना तो नहीं बना रहे? तूफान भी हमका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमका कौनों को मैसेज आया? कौन हो सकता है? ये तो सूरज और चकोर की मरी हुई लाश का फोटो है। ये कैसे हो सकता है? सूरज और चकोर कैसे मर सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं मर सकते। हम उन लोगों का मानना चाहते हैं, कैसे मर सकते? नहीं, नहीं, ये कोई मजाक है, कोई मजाक है जो हमारे संग कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हेलो, कैसी हो? कौन बात कर रहा है? कौन है? हमने तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। सूरज और चकोर की लाश का फोटो देखकर संतुष्टि हुई कि नहीं? हमें शुक्रिया मत बोलना। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसे कभी भूलना मत। कौन बात कर रहा है? कहीं तुम हो तो नहीं जिसकी तलाश भगवान का है? विश्वास नहीं हो रहा, मेरी इतनी बड़ी दुश्मन मर गई, सूरज और चकोर मर गए। सबका तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज आपने हमको सच में बहुत बहुत खुश कर दिया है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा, हम ना आपको ट्रक ट्रक भर के नारियल चढ़ाएंगे। हाँ, हे महादेव। अरे अर्चना जी, क्या हुआ? तो महादेव को क्यों पुकार रही है? महादेव को पुकार नहीं रहे थे मालकिन, हम महादेव को प्रयाग कर रहे थे। मालिक और मालकिन की बहुत चिंता है ना, इसलिए। मंगलसूत्र? ये तो चकोर का मंगलसूत्र है। और चकोर अपने गले से कभी मंगलसूत्र नहीं उतारती। हे भगवान, हमें तो लोगों की बड़ी चिंता हो रही है, पर हमें पूरा यकीन है कि वो दोनों जहां होंगे वो सुरक्षित होंगे और जल्दी वापस आएंगे। जो लोग मर जाते हैं वो वापस जीवित नहीं हो पाते तेजस्विनी। अब फिर से आजाद गंज की डोर हमारे हाथों में आने वाली है, तो आजाद गंज वालों जरा बच के रहना हमसे। गाय के इमली का प्रकोप इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाला है।